हरे कृष्णा। जो गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है वह हमें भी प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण जी से हमारी यही प्रार्थना है। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत ही गुप्त आध्यात्मक विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय मातम आपके ही मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया है अब वह रूप आपका देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, यदि आप उसे मुझे देखने की योग्य समझें तो अपना वह रूप मुझे दिखाइए। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसुरुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी ना देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। गुणाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो और जो भी कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुंह और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे, अनेक सुंदर सुंदर आभूषण और दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उन समस्त आश्चर्ययुक्त अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उन महात्मा की प्रभा की समानता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत और आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारे चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक और पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य और अंत में रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है नेत्र जिसके, कांतिमान अग्नि के सदृश मुखवाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व समस्त दिशाएं आप ही से व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, उनमें तो कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल तंत्र युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता, चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश,
हे जगन निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालग्नि के दृश्य आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्रों के साथ साथ अनेक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं, तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक धाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुख के चारों ओर सब वीरों को निगलकर आप होठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है और मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी ये प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। तब श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत और युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के ये वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है, राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं, सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान पर आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र बनाकर हे कृष्ण, हे सखी, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमोद से तथा स्नेह से, हे अच्युत अपरमेय रूप, आपसे मैं इन बातों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते, भोजन के समय, अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए स्तुत्य ईश, आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, पर भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है, इसीलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्र बाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुम्हें दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल मत हो, भय त्याग प्रसन्नचित्त होकर तुम मेरा पहले वाला वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ
और स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझमें ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवद गीता 11वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुनो। एक तुंगभद्र नाम का नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करना, और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। यहाँ अतीत उतरे, राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शनों को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता और कथा श्रवण करता था, लेकिन पुत्र मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन तो हमें बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सब वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे यह जी उठे, और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे सुन, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कहे। तब प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। इस गांव के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। मेरे मन में दया नहीं आई जो मैं उस विप्र को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक दूसरा विप्र आया। उसने यह देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे काम तो चांडालों वाले हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़कर खा रही है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ कर प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह छोड़कर देवदेही पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो प्रेत देही में श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण ने राजा से भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ कहा। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय हो।